बच्चों नमस्कार, मैं मत्तू केवट आज आपको भाग की सवाल मैं बताने वाला हूं कि भाग का सवाल हमें लगाना कैसे है। जैसे यहां सवाल है, देखिए 2304 में 43 का भाग देना है, 2304 में 43 का भाग देना है और हमें ये 43 का पहाड़ा नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पहले 43 का पहाड़ा बनाना बता रहा हूँ कि 43 का पहाड़ा मैं कैसे बनाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ 4 का पहाड़ा लिखा, 4 के 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छः 24, 4 सत्तर 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 धामे 40। उसके बाद मैंने यहाँ 3 का पहाड़ा लिख लिया, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छः 18, 3 सत्तर 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धामे 30। यहाँ 4 का पहाड़ा है और यहाँ 3 का पहाड़ा लिखा। इसके बाद मैंने यहाँ से 3 लिया और यहाँ से 4 लिया, ये हो गया 43। इसके बाद ये 6 इकाई और यहाँ से 8 लिया, 86 हो गया। यहाँ से मैंने 9 लिया और यहाँ से 12, 129 हो गया। इसके बाद मैंने किया क्या, यहाँ से 2 इकाई लिया और इस दहाई को 16 में जोड़ दिया, 16 एक 17 हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ से मैंने 15 लिया और इस एक को 20 में जोड़ दिया, 20 एक 21, 215 हो गया। उसके बाद 8 को मैंने यहाँ लिया और ये 24 में एक 25 को जोड़ दिया, ये 258 हो गया। इस तरह से इस पहाड़े को मैं बनाते चला जा रहा हूँ। आगे देखिए मैं यहाँ से एक यहाँ ले लिया, ये 2 को इसमें जोड़ दिया, 28, 2, 30 हो गया, 301 हो गया। इस 4 को हमने यहाँ लिख दिया और इस 2 को 32 में जोड़ दिया, 344 हो गया। इसके बाद 7 को यहाँ लिया, 36 में इस 28 को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और ये 287 हो गया, 287 हो गया। इसके बाद 0 को यहाँ ले लिया, ये 3 को इसमें जोड़ लिया, हो गया 430। इस तरह से ये 43 का पहाड़ा बन के तैयार हो गया है। और अब देखिए मैं भाग कैसे दे रहा हूँ कि 43 का भाग 2304 में 43 का भाग देना है। तो यहाँ देखिए मैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पे यहाँ सुन्ना लिख दे रहा हूँ और सुन्ना से मैं 43 का गुणा किया, यहाँ आ गया शून्य बार मैंने भाग दिया और 3 में से शून्य को घटाया 3, 2 में से शून्य को घटाया 2। इसके बाद मैंने इस 0 को यहाँ उतार लिया, ये 230 हो गया। इसके बाद यहाँ देख रहा हूँ पहाड़ा हमने बनाया है और ये 230 है, 230 में उस संख्या को हम लिखेंगे जो इसमें से घट जाए। तो यहाँ ये 5 बार हमारा भाग जा रहा है, 43 का पहाड़ा 5 बार हम पढ़ेंगे तो 215 आ रहा है। तो 230 में से 215 को घटा दे रहे हैं, 10 में से 5 को घटाएं 5, 2 में से 1 को घटाएं 1, ये 15 हो गया। इसके बाद 4 को हमने उतार लिया, 154 हो गया। अब 154 में से हमें उस संख्या को घटाना है जो 43 के गुणा से कट जाए। यहाँ हम 3 बार लेके जा रहे हैं, 43 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 129 आ रहा है। अब 43 का 3 में गुणा करने पे 129 आया, 14 में से 9 को घटाएंगे यहाँ 5 आ रहा है और 4 में से 2 को घटाएं 2। इस तरह से इसका शेषफल 25 आ गया और भागफल 53 आ गया और ये हमारी भाग लग करके तैयार हो गई। इस तरह से हमें भाग की सवाल लगाना है और हमें गुणा नहीं आ रहा है तो कैसे हमको पहाड़ा पढ़ करके और इसको जोड़ करके इसका हमें गुणनफल बना लेना है और हमें भाग की सवाल लगाना है। धन्यवाद बच्चों।